मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MMTU का पांचवा दीक्षांत समारोह का आयोजन मंगलवार को विश्वविद्यालय के सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। समारोह में 1191 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जल पुरुष मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह और कॉलेज के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे सहित विभागाध्यक्ष अधिष्ठाता विद्या परिषद के सदस्य आचार्य और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस दौरान महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने BTEC सिविल इंजीनियरिंग के 159, कंप्यूटर साइंस के 150, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 161, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 150, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 144, केमिकल इंजीनियरिंग के 69 विद्यार्थी को उपाधि से नवाजा। इसके अलावा BTEC के कुल 833 विद्यार्थियों को उपाधि दी, जिसमें 203 विद्यार्थियों को MTEC, 58 को MBA, 59 को MCA, 23 छात्रों को MSc भौतिकी और 15 विद्यार्थियों को PhD की उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने उपाधि पाने वाले छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि सिर्फ डिग्री हासिल करने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपने ज्ञान को अन्य तक पहुँचा के समाज के लिए कुछ कर गुजरने की जरूरत है। राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े रहें। छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि राष्ट्रगान प्रस्तुत करें। सर सामने सर, सरकार द्वारा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दृष्टिगत
शिक्षक अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास 177 शैक्षणिक पद सृजित होने के बाद हो गए हैं। रिक्त पदों के भरे जाने की कार्रवाई की जा रही है। शिक्षकों की बढ़ी हुई संख्या जहां एक ओर नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन AICTE तथा NIRF आदि के मानकों में विश्वविद्यालय खरा उतरेगा, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और शोध गतिविधियों के उन्नयन में सहायक होंगे। विश्वविद्यालय के शैक्षिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रयोगशालाओं में पूर्व में उपलब्ध पुराने निष्प्रयोग उपकरणों को हटा के नए टेक्नोलॉजी के उपकरण लगाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। पुस्तकालय के वातानुकूलित वाचनालय एवं ई लाइब्रेरी अनुभाग सुसज्जित करने के फलस्वरूप शिक्षार्थियों को कक्षाओं एवं प्रयोगशालाओं में अनुकूल शैक्षणिक वातावरण में गुणात्मक सुधार हुआ है। विश्वविद्यालय में डिजाइन इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर जो 300 वर्ग मीटर में आच्छादित है की स्थापना की गई है। इसमें 12 इंक्यूबेटर्स को समृद्ध करने का प्रावधान है। तकनीकी शिक्षा के विभिन्न आयामों को सुदृढ़ करने एवं विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं के सतत सहयोग हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से सभी छात्रों को फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक सभी छात्रों को टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड कोर्स पूरा कराने के बाद सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए गए हैं। इनकी संख्या लगभग 800 छात्र हमारे पिछले सेमेस्टर में इसका लाभ ले रहे हैं। विश्वविद्यालय को ग्रीन कैंपस के रूप में विकसित करने हेतु विश्वविद्यालय प्रयास कर रहे हैं और इसके दिशा में 500 किलोवाट के अतिरिक्त रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय ने एनर्जी ऑडिट एनवायरमेंटल ऑडिट में भी काम किया है और विश्वविद्यालय को ये दोनों ऑडिट कराने के बाद संबंधित संस्था द्वारा सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएगा। तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम TQ3 एवं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान उत्सव के अंतर्गत प्राप्त सहायता धनराशि को शैक्षिक क्रियाओं को मजबूत करने, सेवाओं के विस्तार और अन्य शैक्षणिक योजनाओं के क्रियान्वयन में समुचित उपयोग किया गया है। वर्तमान में परिषद स्थित नेटवर्क को बदलकर नवीनतम उन्नत तरीके से स्टेट ऑफ आर्ट बने नेटवर्क सर्वर सिक्योरिटी सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम वाईफाई की सुविधा विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों अधिकारियों कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं को प्राप्त हो रही है। विश्वविद्यालय में ई जर्नल्स ई बुक्स और मुद्रित पुस्तकों की संख्या में वृद्धि की गई है तथा नव निर्मित वातानुकूलित वाचनालय एवं पुस्तकालय ई लाइब्रेरी अनुभाग विकसित किए गए हैं। साथ ही पुस्तकालयों में पाठकों के अध्ययन हेतु ज्यादा अधिक तक खोलकर अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जा रही है। बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय को प्रथम फेज में 1500 लाख और द्वितीय फेज में 1000 लाख का अनुदान पंडित दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त हुई है। इस धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के शैक्षणिक उत्कृष्टता के सुदृढ़ीकरण हेतु विश्व स्तरीय ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए हो रहा है। इस प्रकार प्रबोधन करते हैं, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचार्य को देवता मानो, अतिथि को देवता मानो, जो हमारे अच्छे आचरण है वे भी तुम्हारे द्वारा ग्रहणीय है, अन्य नहीं। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही अनुशासन है, तुम्हारा पद मंगलमय हो। एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ इंजीनियर, वैज्ञानिक तथा प्रबंधक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह करना मेरा प्रयास होगा।
पुस्तक लिखना को सदा परिपुष्टि करूंगा एवं अपने विज्ञान तथा विश्वविद्यालय की ख्याति वर्धन में उपयोग करूंगा। धन्यवाद। उपाधि प्राप्त करने वालों को प्रस्तुत किया गया है कि इन्हें उपाधि प्रदान की जाए, कैसी उपाधि प्राप्त करने प्रदान करने आपसे अपेक्षा है कि आप मन बचाने वालों से जीवन पर्यंत अपने को इस उपाधि के अनुरूप सिद्ध करते रहे। धन्यवाद महोदय। स्वीकृत देने के उपरांत माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि कृपया अधिष्ठाता परास्नातक एवं शोध एवं विकास द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित करने की कृपा करें। पीएचडी उपाधि के प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले को प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद। प्रकाश कुमार सिंह कंप्यूटर साइंस, अनुपमा यादव, रजनीश कुमार सिंह रियाज खान प्रौद्योगिकी में परास्नातक उपाधि प्राप्त करने वालों को प्रस्तुत किया जाए। आदरणीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलपति अपने पद की निहित शक्तियों से आपको इस विश्वविद्यालय की प्रौद्योगिकी में परास्नातक उपाधि प्राप्त करती प्रदान करती है। आपसे अपेक्षा है कि आप मन बचाने एवं कर्म से जीवन पर्यंत अपने को इस उपाधि के अनुरूप सिद्ध करते रहे। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलाधिपति अपने पद की निहित शक्तियों से आपको इस विश्वविद्यालय की भौतिक विज्ञान में परास्नातक उपाधि प्रदान करते हुए आपसे अपेक्षा है कि आप मन वचन एवं कर्म से जीवन पर्यंत अपने को इस उपाधि के अनुरूप सिद्ध करते रहे। शासन में परास्नातक उपाधि प्राप्त करने वालों को प्रस्तुत किया जाए। अनुप्रयोग में परास्नातक एमसीए उपाधि इनकी परीक्षाएं ले ली गई हैं तथा पर्यंत अपने को इस उपाधि के ओवरऑल टॉपर सीएल एंड आईटी विभाग विद्युत कण एवं संचार अभियंत्रण विभाग यांत्रिक अभियंत्रण विभाग ओवरऑल टॉपर ऑफ एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एमएससी मास्टर इन साइंस आदर्श चंदी मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट रियाज राघव प्रथम रैंक अमर प्रकाश चौधरी प्रथम रैंक पुष्प स्वर्ण पदक प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि बीटेक आपसे अनुरोध है कि इन्हें प्रगति प्रौद्योगिकी में स्नातक विनीता सिंह प्रथम रैंक धन्यवाद। विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रदेश व देश के उत्तरोत्तर विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। मुझे आशा है कि यह विश्वविद्यालय भविष्य में भी इसी प्रकार छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण प्रावधिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु तत्पर रहेगा। मुझे विश्वास है कि इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले समस्त छात्र छात्राएं अपनी कुशल सेवाएं देश व प्रदेश के विकास के लिए समर्पित करते हुए संस्थान का गौरव बढ़ेंगे। दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन हेतु गुरु श्री गोरक्षनाथ की तपोभूमि और कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य
श्री योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि गोरखपुर में स्थित भारतीय संस्कृति के विग्रह पूर्णिया पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय जी के सानिध्य में आज आमंत्रित किए जाने और दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने मेरे लिए आज एक परम सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार को अपने हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देवियों एवं सज्जनों, आज सबसे पहले मैं छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने आज उपाधि या पदक प्राप्त किया है। आज आप सबने अपने जीवन का एक चरण सफलतापूर्वक पार कर लिया है। इसके साथ ही आप जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण और एक लंबी यात्रा की शुरुआत भी आज से करने जा रहे हैं। इस यात्रा के लिए मैं आप सभी लोगों को अपने हृदय से आपके आने वाले कल के नए जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रही महामहिम आनंदी बहन पटेल, हमारे इस राज्य के राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री जे पी पांडे, शिक्षकों और प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह दीक्षांत समारोह आपके जीवन में उपाधि के साथ कुछ नए करियर, कुछ नए उत्साह, कुछ नए कदम भरने की जागृति पैदा करता है। यदि ग्रेज के बारे में जानना हो तो आज आपके कुलाधिपति जो इस सत्र की अध्यक्षता कर रही है, समारोह की अध्यक्षता कर रही है, मैं एक छोटी सी घटना उनकी बताता हूँ। जब वो गुजरात की मुख्यमंत्री थी तो मेरे साथ वहाँ के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुनि मेहता जो बड़ौदा के थे, उनके मन में उनकी एक नदी थी विश्वामित्री, उसके लिए वो बहुत चिंतित थे। बहुत सालों से वो जब उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की तभी से उसको रिजुनेट करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपने मुख्यमंत्री जी से जरा मिलना चाहते हैं, आप भी आ जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि नदियों की रिजुनेशन की पॉलिसी के बारे में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आप थोड़ा बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं गया, उन्होंने बहुत सहजता से मुझे मिलने की इजाज़त दी और मैंने देखा कि उनके मन में जिस तरह से एक विराट केंद्र में जल की धारा प्रवाहित होती है, ऐसे ही उनके मन में नदी भी थी। शायद नीर, नारी और नदी के सम्मान का जो भारतीय पुराना चलन है वो उनके मन में वो भी था। मैं उनको ये वसीयता याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो शुरुआत की थी वो विश्वामित्री नदी, आपने जो उस वक्त मुनि मेहता को और मुझे जो उत्साह बढ़ाया था उसके कारण वो नदी अब शुद्ध सदा दिया बनकर बहने लगी है। उस काम को आपके काल में जो आगे बढ़ाया उससे वहाँ के लोग बहुत आनंदित हैं। आपको आज जो उपाधि मिली है उस उपाधि को प्राप्त करने के बाद आपके मन में भी कुछ नया, कुछ अच्छा करने का भाव जरूर होगा। मित्रों, मैं जानता हूं कि प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, तकनीक और इंजीनियरिंग आज की समस्याओं के समाधान के लिए एक टेम्परेरी तौर पर कुछ रास्ते बताती है, सुझाती है, लेकिन उन तरीकों को यदि सनातन बनाना है, यदि उन समाधानों को स्थायी बनाना है, तो फिर आपकी ये प्रौद्योगिकी, आपकी ये इंजीनियरिंग, साइंस विद सेंस, विज्ञान को अध्यात्म के साथ इंटीग्रेट किए बिना आपकी प्रौद्योगिकी भारत
स्थायी सनातन विकास में एक क्षणिक योगदान मात्र होती है। आप जानते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जब 1916 में अंग्रेजों ने गंगा को बांधकर कैनाल सिस्टम सेंट्रलाइज इरिगेशन का कैनाल सिस्टम किया, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत को एक साथ जोड़ के कहा कि मां गंगा हमारे आध्यात्मिक प्रवाह की धारा है, आप उसको मोड़कर आप उसको अपनी इच्छा से बांध नहीं सकते। पंडित मदन मोहन मालवीय जी से यदि सच कुछ उनके नाम पर बने विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी प्रेरणा लेना चाहता है तो उनको 1916 की घटना जरूर याद करनी चाहिए। आप जानते हैं प्रौद्योगिकी का और इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा नमूना भारत में गंगा अपर गंगा नहर का बनना था, लेकिन पंडित जी ने सारे देश को खड़ा करके कहा कि ठीक है हमें इरिगेशन की जरूरत है पर आप मेरी मां गंगा की आजादी नष्ट नहीं कर सकते। अभी भी आप जाके देखेंगे हरिद्वार के थोड़ा ऊपर उस स्थान का नाम है भीतोड़ा। 30 मीटर चौड़ाई में मां गंगा की आजादी दिलाने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जिनके नाम पर आपकी ये प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी है, उनसे हमें सनातन विकास की जो स्थायी प्रक्रिया हो सकती है, जो प्रौद्योगिकी हो सकती है, जो साइंस विद साइंस हो सकती है, उसको इंटीग्रेट करके आगे बढ़ना होगा। तभी हम 21वीं शताब्दी में दोबारा से दुनिया को ये बता सकेंगे कि हम अभी भी ग्लोबल टीचर बनने के लायक हैं। भारतीय आस्था का सम्मान करने वाली इस नेचर की नरिशमेंट के लिए, प्रकृति के पोषण के लिए शिक्षण देती हो वैसे कुछ पाठ्यक्रम इस यूनिवर्सिटी में यदि आरंभ हो गए तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी की आत्मा जहां कहीं की होगी वो बहुत आनंदित होगी कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन में मैं जो चाहता था उसको बना। इसलिए मित्रों आपकी इस उपाधि के दिन मैं बस इतना ही कहना चाहता कि हम अपनी इस तकनीक प्रौद्योगिकी पढ़ाई के साथ साथ प्रकृति का रक्षण संरक्षण और पोषण अपने विज्ञान को अध्यात्म के साथ जोड़े बिना नहीं कर सकते। जब हमारा विज्ञान अध्यात्म के साथ जुड़ता है तब प्रकृति का रक्षण संरक्षण और पोषण हमारे व्यवहार और हमारे संस्कार का हिस्सा बन जाता है। दोस्तों मैं तो प्रौद्योगिकी का विद्यार्थी नहीं, मुझे प्रौद्योगिकी नहीं आती थी, मैं वाटर केमिस्ट्री भी नहीं जानता था, मैं वाटर फिजिक्स भी नहीं जानता था, मैं तो आईने का विद्यार्थी था। लेकिन मैंने अपने किसान से मांगू पटेल से सीख कर पाने का काम किया। मैं आज आपके सामने खड़ा होकर कह सकता हूं कि पिछले 38 वर्षों जब से मैंने मानवीय चिकित्सा का काम बंद करके अपनी धरती की चिकित्सा का काम शुरू किया, उस धरती माता की चिकित्सा के काम में मैं धरती माता पर, भारत की धरती माता पर 12 सूखी और भरी हुई नदियों को इसलिए शताब्दी में पुनर्जीवित कर सकता। संध्या उदयराज, मनीषा, मुस्कान, हर्षित, सालू, सुप्रिया, प्रियेश यादव, वेदांत कवरवाल, अथर्व पांडे, रयान सिंह, बहुत अच्छा
आकृति कुमारी, आराध्या पाल, आस्का यादव, सिंपू यादव, कृष्णा दुर्गेश। राज्य मंत्री प्राविधिक एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री संदीप कुमार जी, दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं पर्यावरणविद डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे जी, विश्वविद्यालय सभा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एवं विद्या परिषद के सभी सदस्यगण, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, समस्त छात्र छात्राएं और अन्य स्कूलों में से आए सभी प्यारे बच्चे, आमंत्रित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जन, ये भूमि भगवान श्री बुद्ध की भूमि है, महायोगी गोरखनाथ की भूमि है, संत कबीर की भूमि है और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भूमि है। ऐसी पवित्र भूमि पर जब मैं आई हूँ तब मैं भूमि को प्रणाम करती हूँ, वंदन भी करती हूँ। आज पांचवा दीक्षांत समारोह है और कई स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिया गया, डिग्रियां दी गई, सभी विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि वे अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और साथ साथ अपने देश को भी आगे बढ़ाते रहे। आज यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हमारे बीच में छोटे छोटे बच्चे भी आए और पिछले एक साल से ये प्रयास शुरू हुआ है और मैं मानती हूँ और मैंने कहा है कि ये छोटे बच्चे ये मेरे गेस्ट होते हैं और कोई मेरा गेस्ट नहीं है, सिर्फ बच्चे ही मेरे गेस्ट हैं और पहली रो में उसको बिठाना है और आज पहली रो में सब बच्चे बैठे हैं। एक बच्चे को पूछा गया कि आप कहाँ आए हो तो उसने जवाब दिया मैं स्टेज पर आया हूँ। सही है, स्टेज पर ही आया था और उसको यूनिवर्सिटी की ओर से अनेक प्रकार का साहित्य दिया गया है। जो यूनिवर्सिटी ने गांव गोद लिया है वो ही गांव के ये बच्चे हैं और मैं मानती हूँ कि आज ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अंदर अंदर बातें करते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं, लेकिन मैंने प्रश्न पूछा तो उसका सटीक उत्तर भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारे छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया गया तो हमारे कुलपति जी ने कहा कि आपको भी गोल्ड मेडल लेना है, इसी तरह तैयारी करना आगे जाकर। जो देखते हैं ये आज अपने दिल में अपने दिमाग में रख कर जाएंगे और जब सोचेंगे या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बात करेंगे, अपने परिवार से बात करेंगे
तब वो सब बताएंगे कि वहाँ क्या क्या था, हम लोगों ने क्या देखा और हम क्या संकल्प कर रहे हैं। तो पूर्ण करना पड़ेगा तब ही हम विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। और देखिए मित्रों, ये नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया है कि 2030 तक, 2030 तक देश के 50% युवक छात्र कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, ये प्रावधान है नई शिक्षा नीति में। अभी 50% हमारे युवाओं को यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना है, कॉलेज तक पहुंचाना है, तो प्राइमरी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। यदि हमारे बच्चे प्राइमरी एजुकेशन में ही सभी बच्चे एडमिट नहीं होंगे तो 50% तक हम कैसे पहुंचेंगे? आज तो 15-20% है और इसमें और बढ़ोतरी करती है। इसका अर्थ ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को ये देखना पड़ेगा कि हमारे जितने भी गांव हैं, एक गांव के जो पहली कक्षा की उम्र पास करते हैं वे सभी बच्चे पहली कक्षा में एडमिशन लेंगे, फिर दूसरी, फिर आठवीं, फिर दसवीं, बारहवीं तक पहुंचेंगे, तो हम 2030 तक 50% से ज़्यादा युवा धन को कॉलेज में पहुंचा पाएंगे। जब यूनिवर्सिटी ने 5 गांव को गोद लिया है तो निश्चित रूप से ये 5 गांव के सभी बच्चे पहली कक्षा में तो दाखिल होंगे ही। और मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप हमारे एनसीसी या तो एनएसएस के स्टूडेंट्स को बताओ कि घर घर जाकर या तो पंचायत घर में जाकर ये ढूंढ ले कि पहली कक्षा में 5 साल पूर्ण करने वाले कितने बच्चे हैं, और सभी बच्चे अब जब स्कूल शुरू हो रही है तब सभी बच्चे स्कूल में एडमिट हो जाए। पहली कक्षा के बाद दूसरी कक्षा में, दूसरी से तीसरी कक्षा में एक भी बच्चा ड्रॉप आउट न हो, वो भी हम ध्यान रखें। यदि बीच में से कोई भी कारण से बच्चा चला जाता है तो फिर से परिवार को समझाकर, बच्चे को समझाकर स्कूल में फिर से दाखिल करवाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जब गुजरात में शिक्षा मंत्री बनी 98 में, तब महिलाओं की साक्षरता रेट सिर्फ 59% था। तो हम लोगों ने सोचा कैसे हो सकता है, पुरुषों का 80, 85, 90 और महिलाओं का सिर्फ 59। तो हम लोगों ने 2001 से प्रवेश उत्सव शुरू किया और हर साल लगातार 12-13 जून को सभी बच्चों को पूरे राज्य में एक साथ स्कूल में एडमिट करवाते थे। एक साथ सभी मंत्री गांव में जाते थे, मुख्यमंत्री जाते थे, हमारे कुलपति जाते थे, हमारे सभी अधिकारी आईएएस अधिकारी, चाहे आईएएस हो, आईएएफ हो, कोई भी हो, ये सबका एक पूरा आयोजन बनता था। और एक साथ 3 दिन तक, मुझे जाना है तो 3 दिन तक जाना और 5 गांव में जाना है, मतलब कि मैं 15 गांव के बच्चों को 100% स्कूल में एडमिट करवाती थी। तब जाकर आज हमारी महिलाओं का साक्षरता का रेट 80% से भी ज्यादा बढ़ गया है। ड्रॉप आउट रेट तो होना ही नहीं चाहिए, बच्चों का अधिकार है और हमारे संविधान में लिखा गया है कि 14 साल की उम्र वाले सभी बच्चों को फर्जिया सार्वत्रिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। पर जाके यदि कोई परिवार अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है तो उसको सजा हो सकती है, सजा का भी प्रावधान है इसमें। लेकिन हमारी लोकशाही देश है, हम ऐसा करेंगे तो और कोई आंदोलन खड़ा कर देगा, कैसी सजा क्यों थी, उनको समझाओ, बातें सही हैं।
और इसी वजह से सबको समझा समझा कर स्कूलों में एडमिट करना वो ही हमारा कर्तव्य बनता है और वो ही हम काम कर रहे हैं मित्रों। जब बारिश आती थी उसी समय देखते थे हम, इसके बाद साबरमती नदी सूख जाती थी और आसपास की जो झुपड़पट्टी थी वो साबरमती की जो रेत वगैरह थी इसका टॉयलेट की तरह उपयोग करते थे। पानी तो था ही नहीं इसमें और पूरे देश में नदियां सूख गई, बात सही है। और ये हम लोगों ने ही काम किया है, ऐसा नहीं है पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं रहा हमारा, जमीन में से पानी निकाल दिया, निकालते गए, बारिश का पानी जमीन में उतारा नहीं, ऐसे कई काम हम लोगों ने किया, इसी वजह से आज हम सब ये समस्या भुगत रहे हैं। तो अहमदाबाद की साबरमती नदी को पुनः जीवित किया गया, नर्मदा नदी का पानी केनाल के द्वारा साबरमती नदी में लाया गया और आज साबरमती नदी पूरी पानी से भरी हुई है और इसमें बोट भी चलती है, इसमें फ्लाइट भी चलती है और आसपास के जितने भी बोरवेल थे पानी लेते थे जमीन में से, ये सभी ने बोरवेल बंद कर दिए हैं क्योंकि उनको नर्मदा का शुद्ध पानी पीने का मिल रहा है। एक बड़ा काम सरकार ने किया है और साबरमती नदी के आसपास शायद 5 लाख परिवार बसते थे। बारिश का पानी फ्लड आता था तो सब निकालते थे फिर आकर बस जाते थे। नदी के दोनों किनारों को डेवलप किया है, आज बढ़िया सुंदर बनाया, हजारों वृक्ष वहां बोए गए, बड़े बड़े हो गए, मनोरंजन सेंटर बने, बच्चों के लिए भी गार्डन वगैरह खेल के साधन सब कुछ इसमें रखा गया है। लेकिन 5 लाख परिवारों को, सॉरी 5,000 परिवारों को वहां से हम दूर ले गए, लेकिन सबको पक्का मकान दिया और जहां पक्का मकान बनाया वहां स्कूल दी, वहां आंगनबाड़ी दिया, पक्के रोड वगैरह दिया, पानी की सुविधा कर दी, लाइट उनके लिए दे दी और कई प्रवृत्ति करने के लिए वहां योजना बना दी और सभी को बहुत ही गौरवपूर्वक अपना सामान लेकर सरकार ने मदद की और सब आज वहां अच्छी तरह से बस रहे हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। पूरा पर्यावरण बदल चुका है मित्रों। सबसे पहले गुजरात में 2003 में उसी समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई मोदी, सोलर सिस्टम लगाया था 500 किलोवाट का और आसपास के सभी गांव को वहां से ही हम बिजली देते थे मित्रों। अभी मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट का सोलर सिस्टम लगाया गया, तैयार हो गया, उद्घाटन भी हो गया मित्रों। धीरे धीरे करके अभी कच्छ में भी 1,000 किलोवाट से भी ज्यादा सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। तो ये हमारे कुदरत ने दिया है, ये कुदरत ने जो हमें जो प्रकाश दिया है इसमें से सोलर पैदा करना, इलेक्ट्रिक पैदा करना और हमारे सभी साधन निधि से चले जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण शुद्ध हो। मैं यूनिवर्सिटी को बधाई देती हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी ने भी 100 किलो वॉट की सोलर पावर सिस्टम तैयार की दी है और वो उपयोग में ले लिया है तो। और 500 किलोवाट की सोलर क्षमता का प्रावधान कर रहे हैं, धीरे धीरे करके पूरी यूनिवर्सिटी सोलर सिस्टम से ही चलेगी, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, चाहे लाइट हो, चाहे फैन हो, कोई भी एसी हो, सब सोलर से चलने चाहिए तो। और आगे जाकर हम 5-10 गांव में भी सोलर सिस्टम से लाइट दे सकते हैं तो काम ही वही करना है हमें। दूसरा अच्छी बात की कि जितनी हमारी समस्याएं हैं वो समस्या, चाहे जल की समस्या हो, पर्यावरण की समस्या हो, चाहे महिलाओं के संबंधित समस्याएं हो, चाहे बच्चों के संबंधित समस्या हो,
नई शिक्षा नीति में राजेंद्र सिंह ने याद बराबर किया है कि ये ध्यान रखिए कि आप जब पाठ्यक्रम बनाओ तब इसमें उसके शामिल किया जाए। ये नई नीति जो बनी है दुनिया भर ने उसकी प्रशंसा की है मित्रों, और किसी ने इसका विरोध नहीं किया है, सबने स्वीकार किया है, क्योंकि सब लोग चाहते थे हमारी शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए और वैसी ही बनाई और आज हमारे सामने गांव में केंद्रित कर बच्चों को, सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए इसके प्रबंध करें, प्रेरित करें, सभी बेटियों को पढ़ाना है उनको प्रेरित करें, फसल के बारे में उनको बार बार बताएं, जो हम लोगों ने नवाचार किया इसके बारे में उसको करें, वहाँ स्वच्छता हो इसके प्रयास करते रहें, वहाँ कोई बाल विवाह न हो इसके प्रबंध करें, यदि पता चले कि इसमें कुछ मांग हो रही है तो उसको भी समझाने की कोशिश करें। हम कोशिश करते रहेंगे तो ये गांव आदर्श बन ही जाएगा मित्रों। 5 साल लगातार प्रयास करना पड़ेगा तो एक आदर्श गांव हम बना सकते हैं, और इसमें कोई ऐसे काम नहीं होगा जिसको जेल का दरवाजा दिखना पड़ेगा। बस इतना ही काम करना है मित्रों, और ये काम कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। हमारे टीवी वाले बच्चे हैं, आपने भी बोल लिया है, कौन करेगा ये सब कुछ काम? घर पर जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, खाने के लिए देना पड़ेगा, तब हमारे बच्चे भारत के बच्चे या तो भारत हमारा टीबी मुक्त हो जाएगा। तो ऐसी कई समस्या है, समस्या का लिस्ट बनाइए और गांव में जाकर क्या करना है, और जानिए सच, बताइए सच। मैं मानती हूँ जब हमारे पढ़े लिखे अध्यापक, पढ़े लिखे हमारी महिलाएं प्रोफेसर लेक्चरर, ये जब गांव में जाकर खड़े होते हैं और ये कहता कि मैं इतनी पढ़ी हूँ, मैंने इधर PhD किया है, मेरे बेटे ने मैंने वो पढ़ाया है, बेटी को वो पढ़ाया है, तो क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा गांव पर? जरूर पड़ेगा। और वहां जो महिलाएं बैठी होगी वो सोच रही होगी कि यार मेरी बेटी भी होशियार है पढ़ने में, मैं भी उसी तरह उसको बड़ी बनाऊंगी, प्रोफेसर बनाऊंगी या तो अच्छा काम करेंगी। सोचती है महिलाएं, नहीं सोचती ऐसा नहीं कि हमें उसके सामने खड़े रहना पड़ेगा कि मैं वो हूँ, आप बताइए आपके बारे में, और संकल्प करवाइए कि आपकी बेटियों को भी पढ़ाओ। मित्र, यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है और आप सबको डिग्री एनायत की गई है, ये सिर्फ कागज का पट्टा नहीं है मित्रों, इसमें आपका भविष्य है, इसमें आपका भविष्य तो है ही, आपकी यूनिवर्सिटी का भी भविष्य है और हमारे देश का भी भविष्य है। आने वाले समय में आपके हाथ में देश का भविष्य आने वाला है, देश का जो कहाँ ले जाना है देश को, ये आपको ही करना पड़ेगा मित्रों। तो ये दिशा में आप सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं माननीय कुलपति महोदय से विशेष रूप से माननीय कुलाधिपति महोदय के लिए तैयार मधुबनी पेंटिंग भेंट करने की कृपा करें। इस हेतु श्री रवि मैं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के पंचम दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। शुभ नामे जाने
Gracias.